ओम पितृ देवताभ्य नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं आर्यम शर्मा। आज आपको चाहिए, अगर हमारे ऊपर पितृ दोष है तो हमें कैसे उसका ना महीने की प्रत्येक अमावस्या, महीने में जब भी अमावस्या आए तो आपको पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पितरों की तिथियां भूल जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में भी पितरों की पूजा नहीं कर पाते, जिससे पितृ रुष्ट होकर के श्राप दे देते हैं, जिससे श्रापित पितृ दोष लग जाता है। इसकी वजह से कई प्रकार के कार्यों में परेशानी आती है। धन की बरकत रुक जाती है, उस घर में धन नहीं रुक पाता, किसी न किसी बीमारी में चला जाता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते, या वंश वृद्धि रुक जाती है, पुत्र ही की प्राप्ति नहीं हो पाती। अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। देखो, पुत्र प्राप्ति में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो पितरों के आशीर्वाद का होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, पितर प्रसन्न है, तो आपकी हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है। कौन सी गलती? कि पितरों के लिए अपशब्द निकालना। काफी लोग होते हैं जो पितरों के लिए अपशब्द निकालते हैं, वो पितरों को मानते ही नहीं है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और पितरों का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, प्रत्येक अमावस्या को, महीने की जो अमावस्या आती है, घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए, कोई भी तामसिक चीज। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तभी आपके घर में खुशहाली रहेगी, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, पुत्र प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। तो मौनी अमावस्या हो या सोमवती अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, पूजा हर अमावस्या को करनी चाहिए। किस प्रकार से, वह ध्यान से सुने। सुबह जब आप स्नान करें, क्योंकि अमावस्या के दिन गंगा तट पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। गंगा तट पर स्नान नहीं कर सकें या किसी नदी पर स्नान नहीं कर सकें, कुआं तालाब पर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पर ही स्नान करें, तो उस स्नान के जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में आपको सूर्य देव की पूजा करनी है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए या गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वतोमयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। भगवान सूर्य देव को जब आप अर्घ दे रहे हो, तो उस समय लोटे में गंगा जल और काले तिल मिक्स करके आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। साथ चावल डालें, उसमें आप लाल पुष्प भी डालें। जब आप सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हो, तो जो जल है वह सीधा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी पात्र में या गमले में डालें। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं आपको अमावस्या दिन करनी कैसे पूजा। उसके बाद में आपको अपने इष्ट देवता की पूजा कर लेनी है। भगवान शिव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, जो नियमित रूप से आपने प्रतिदिन के रूल बना रखे। उसके बाद में आपको पितरों की पूजा करनी है। तो आपको हरिद्रवा लेकर के आनी है। हरिद्रवा आप लेकर के आए पार्क से, और एक किसी डोंगे में आप दूध और जल, काले तिल और चावल, थोड़ा सा मीठा उसमें डाल करके तैयार कर लें। आप एक बर्तन और ले लें अलग से, जिसमें आपको एक तर्पण का जल डालना है। हाथ में हरिद्रवा लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्य तर्पयामि, पहले ओम सर्व देवताभ्य तर्पयामि के नाम से 3 बार आपको जल देना है। उसके नाम से ओम सर्व ऋषिभ्य तर्पयामि, उसके बाद में ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि, ऐसा कहकर के आपको पितृ देवताओं के नाम से अंजलि देनी है। जिन जिन पितृ देवताओं का नाम आपको याद है, आप उनके नाम से दें। उसके बाद में सभी पितृ देवताओं के नाम से दें। उसके बाद में पितरों के नाम से एक ग्रास निकालें, एक थाली निकालें, जिस पर संकल्प करके आप किसी बुजुर्ग को दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जूता दान, वस्त्र दान, छत्री दान, जो भी है आप पितरों के नाम से दान करें, विशेष महत्व है। शाम के समय यह सुबह के समय पूजा होगी, जब आप पितरों की पूजा कर लें तो फिर आपको गौ माता का पूजन भी इस दिन जरूर करना चाहिए। गौ माता को आप वस्त्र ओढ़ाए, अगर संतान होकर के मिसकैरेज या कुछ भी परेशानी आ जाती है तो इस दिन आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही गौ माता को वस्त्र ओढ़ाना चाहिए, इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इस दिन आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, साथ ही आपको थोड़े से काले तिल और जो मीठा बना हो वो ले लें, एक कच्चा सूत ले लें,
ठीक है, थोड़ी सी दही और चावल ले लें, ये सामान आप ले लें। अब आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। जो पीपल वृक्ष मतलब मंदिर नहीं जा सकते तो वह घर पर ही दीपदान कर लें, पीपल के नीचे ना जला पाए तो पितरों की फोटो के सामने आप दीपक जला दें। अब आपको क्या करना है कि 5 दीप, सबसे पहला दीपक जो है पितरों की फोटो के सामने आपको जलाना है। वहां पर आपको दीपक में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं और आपको थोड़ा सा मीठे का भोग लगाना है पितरों को। एक दीपक आपको घर के मेन दरवाजे पर, एक दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है, एक दीपक आपको भगवान शिव के सामने जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके हाथ में काले तिल लेकर के आप ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः ऐसा कहकर के 7 परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की लगानी है। एक परिक्रमा में एक बार जब आप परिक्रमा लगाएं तो एक बार कच्चा सूत लपेटना है, ऐसे 7 बार कच्चा सूत लपेटना है और आपको 7 परिक्रमा लगानी है और वह लास्ट में 7वीं परिक्रमा पर काले तिल वहीं पर छोड़ देने हैं आपको। उसके बाद में आप वहां पर मीठा चढ़ाएं तो इस कार्य से पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सुबह के समय जब आप भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हो तो भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो वहां पर पीपल पर जल और दूध मिक्स करके अर्पण करें। शिवलिंग पर आप नाग नागिन का जूड़ा अर्पण करें। पितरों के निमित्त वस्त्र दान करें। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको अमावस्या से पहले पितृ दर्शन देना शुरू कर देते हैं, बहुत काफी लोग ऐसे होते हैं। किसी के पितृ किसी रूप में दर्शन देते हैं, किसी के किसी रूप में दर्शन देते हैं, बहुत से इनके पितृ कुछ मांगते हैं, तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस प्रकार से पितृ आपको दर्शन दे रहे हैं उसी प्रकार से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप नियमित रूप से मावस की मावस अगर पितरों की पूजा करते हैं तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख आपको नहीं होगा, पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अमावस्या पर आप ये पूजा जरूर करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा और पितृ देवता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आप ये नियम बना लें और हाँ, अमावस्या करना है, पितरों का आपको निरादर नहीं करना है, नहीं तो पितृ दोष लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन को दबाएं और साथ ही ऑल को दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जय श्री कृष्ण।